रोज नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी है अकबर और बीरबल पे ही आधारित। इसका टाइटल है बेगम और बीरबल। इस कहानी में भी ले ली गई है बीरबल की परीक्षा और वो ली है बेगम ने। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। सभी को ज्ञात है कि बीरबल अकबर के प्रिय थे, इसी वजह से कई दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा बीरबल के खिलाफ उनका अकबर का दिमाग भरते रहते थे। एक बार दरबारियों ने सोचा कि वे बीरबल को मंत्री पद से हटाकर बादशाह के साले हुसैन खान को मंत्री पद दे देंगे। वे दरबारी हुसैन खान के घर गए और उनसे पूछने लगे, क्या तुम मंत्री बनोगे? तब हुसैन खान बोला, लेकिन जब तक बीरबल है बादशाह कभी भी मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे। तब एक दरबारी बोला कि तुम अपनी बहन से सिफारिश क्यों नहीं करवाते? तब हुसैन बोला, हाँ यह अच्छा तरीका है, कल ही मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा। अगले दिन हुसैन पहुंच गया अपनी बहन के पास, जो कि बादशाह अकबर की बेगम थी। उसके पास पहुंच के उसने उसे सिफारिश करने के लिए बोला। जब महाराज आए तब बेगम ने कहा, मैं अपने भाई हुसैन खान को बीरबल की जगह मंत्री बनवाना चाहती हूँ। महाराज को बेगम की इस अजीब सी मांग पर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मुझे किसी चतुर और कुशल व्यक्ति की ज़रूरत है, और बीरबल से अधिक होनहार कोई नहीं। और फिर बिना किसी ठोस कारण के मैं बीरबल को उसके मंत्री पद से कैसे हटा सकता हूँ? तब बेगम ने बोला कि आप उसे कुछ ऐसा कठिन काम दीजिए जो वो नहीं कर सके, और इसी बहाने से आप उसे हटा दीजिए। तब अकबर बोले, ठीक है, तो तुम्हें कुछ ऐसा काम बताओ। तब बेगम बोली, जब आप शाही बगीचे में सैर कर रहे हो तब आप बीरबल को बोलना कि वो मुझे बुलावा भेजे, मुझे विश्वास है वो इस काम में सफल नहीं होगा। बादशाह राजी हो गए और अगले दिन घूमते वक्त उन्होंने बीरबल से महारानी को लाने का बुलावा भेजा। उन्होंने बीरबल को ये भी कहा कि अगर तुम बेगम को यहाँ नहीं ला पाए तब तुम्हें मंत्री पद से हटाकर हुसैन को मंत्री पद पे रख दिया जाएगा। बीरबल समझ गए थे कि उनके दुश्मनों ने उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई चाल चली है। उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने दूत को अपने पास बुलाया और पूरी योजना समझा दी। फिर वे बेगम के महल में गए और बादशाह का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जहाँ पना बगीचे में टहल रहे हैं, वे आपसे वहाँ मिलना चाहते हैं। उसी समय वह दूत वहाँ आया और बीरबल से बोला, हुजूर मुझे आपसे अकेले में कुछ कहना है। बीरबल बेगम से माफ़ी मांगते हुए एक तरफ आकर दूत की बात को सुनने लगे। बेगम को भी बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या बात चल रही है। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। वो पूरी बात तो नहीं सुन पाई, बस एक लाइन सुनी कि वह बेहद खूबसूरत है। बीरबल तुरंत बेगम के पास जाकर बोले, सारी परिस्थिति बदल चुकी है, वहाँ अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा बोलकर बीरबल वहाँ से चले गए। लेकिन बेगम का मन अटका रहा। उसे लगा कि बादशाह अकबर से कोई बहुत ही सुंदर स्त्री मिलने आई है, और बीरबल नहीं चाहते कि मैं बादशाह अकबर को और उस स्त्री को अकेले बाग में देख लूं। वह दौड़ती हुई बगीचे में पहुँची, पर आश्चर्य, वहाँ तो बादशाह अकबर अकेले थे। तब अकबर बोले, तो बेगम आप आ ही गई, आपने तो वादा किया था कि आप नहीं आएंगी। बेगम ने वह सब बताया जो बीरबल ने कहा था। बीरबल के सिर्फ इतना सा कह देने से कि परिस्थितियां बदल गई है सुनकर तुम दौड़ी चली आई। तब बेगम मन ही मन कहने लगी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे किसी दूसरी स्त्री का भय यहाँ तक खींच कर ले आया। तभी वहाँ पर बीरबल आ गए। तब अकबर ने बीरबल से खुश होते हुए कहा, बीरबल इस बार भी तुम जीत गए। तो लिसनर्स, कहानी को सपोर्ट करिए लाइक और कमेंट के साथ। बने रहिए चैनल पे, लाऊंगी ऐसी ही स्टोरीज आगे भी।
तब तक के लिए बाय।